हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक ऑफ विद्या। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम लोग करने वाले हैं मेमोरी टेस्ट। इसका मेमोरी टेस्ट में फिगर टेस्ट करने वाले हैं। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो फिगर दिया हुआ है आपके पास, इन दोनों फिगर का पोजीशन क्या है, फिगर आपको कैसा दिख रहा है ना, इसका डायरेक्शन क्या है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोई भी एक फिगर दे देगा, इसका चार ऑप्शन दे देगा, या फिर ये एक दे देगा, इसका चार ऑप्शन दे देगा, है ना। और ऑप्शन किस तरह देगा तो बताते हैं आपको। सपोज अगर ये फिगर दे दिया, इसके साथ अगर ये चार ऑप्शन दिया, तो एक ऑप्शन तो ये मिलेगा आपको ए बी सी डी किसी एक में, है ना। कोई एक और ऑप्शन होगा कि दिए इस डायरेक्शन में जल रहे होंगे, कोई उसके उल्टा जल रहे होंगे, या फिर कुछ कुछ चेंजेस कर देंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है और कैसे करना है, ठीक है, वो भी हम आपको बताते हैं। चलिए, और आप अगर हमारे इस सीरीज का पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाएँ और देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड। तो देखिए क्या है, हमें ध्यान किन बातों का रखना है। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला जो फिगर है इसमें, इसमें आपको बता देते हैं 3 मिनट दिया जाएगा फिगर को एनालिसिस करने के लिए, है ना। और फिर अगले 3 मिनट में आपको इसका आंसर करना होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसा फिगर हो तो पहले देखिए इसका हाथ किस तरह से पकड़ा है, इस तरह से, है ना। मीन्स इधर इसका उंगलियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मसाल जल रही है, इसका आग का डायरेक्शन इस तरह से है, तो कुछ ऐसा आपको ध्यान रखना है ना। बाकी ऑप्शन देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। फिर सिमिलरली इसको भी ऐसे ही देखना है, ये जो दिया जल रहा है, दीपक जो जल रहा है, इसका डायरेक्शन क्या, इधर है ना, इस तरीके से ये जल रहा है। तो आपको डायरेक्शन पहले तो सबसे पहले डायरेक्शन देखना होता है। पहले डायरेक्शन देखेंगे कि इस डायरेक्शन में है दिए, है ना, हैंडल इधर है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए ये बुक है, बुक का डायरेक्शन देखिए कुछ इस तरह से ना, हल्का टिल्ट है ना, इस तरीके से है। और उसके ऊपर एक फूल है इस तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन पहले ध्यान रखना है ना। और यहाँ पे देखिए हल्का सा यहाँ पे कुछ निकला हुआ बाहर से, तो ये ध्यान रखना है। चलिए फिर देखिए बुक, बुक का डायरेक्शन भी देखिए इस तरह से है ना, बुक इस तरह से है आपको रखा हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन इसका किधर है, इधर है, ये ध्यान रखना है। बुक में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। बीच में यहाँ पे एक लाइनिंग है, ये भी ध्यान रखना है ना। कुछ पेजेज हैं, है ना। कॉर्नर इसका क्या है, कलर क्या है कॉर्नर, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए दोनों तरफ देखते चलते हैं ना। ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में, इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए सन है ना, और सन के जस्ट नीचे क्या है, एक आपको कैंडल टाइप का दिख रहा है ना, कैंडल जल रहा है, उसके बीच में सन आ गया है ना। और यहाँ पे कुछ इस तरह का फिगर है ना, और आपको बस यही चीज़ ध्यान रखना है, इस तरह से चल रहा है ना, एक कॉर्नर पे सन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी देखते हैं दूसरा वाला। इसमें देखिए क्या है, ये एक बुक इधर खुला हुआ है ना, किस साइड, लेफ्ट साइड नीचे में बुक खुला हुआ है, और जो है चार पांच बुक एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, एक इधर थोड़ा सा निकला हुआ है, ये बस आपको ध्यान रखना है, इतना पे आपको हो जाएगा, है ना। अभी देखिए मुर्गा का डायरेक्शन क्या है, इधर है ना, मुर्गा का डायरेक्शन इधर है, प्लस इसका ये जो देखिए ये मुँह उसका खुला हुआ है, ध्यान रखना है आपको, मुँह खुला हुआ है ना। और आपको ये सब ये ब्लैक ब्लैक है, ये ध्यान रखना है ना, ये सब देखिए ब्लैक ब्लैक है, ये ध्यान रखना है। और ये पूरा ब्लैक नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ये इसका जो ऊपर का जो होता है पार्ट, वो पूरा ब्लैक नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन में ब्लैक ब्लैक करके भी देख सकता है। ये पंख, मोर का जो पंख होता है उसका डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। और ये जो पंख के अंदर देखिए ये जो है बना हुआ है पॉइंट जो है डार्क है ना, ब्लैक ब्लैक, उसमें आपको वो होलो भी दे सकता है ना, इसमें क्या है कलर किया हुआ, उसमें विदाउट कलर का भी बस वो सिप के दे सकता है ऑप्शन में, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये मैप को ध्यान रखना है ना, मैप का डायरेक्शन देखिए, इस साइड का आधा पोर्शन कलर किया हुआ, इस साइड का आधा पोर्शन कलर किया हुआ नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या ध्यान रखना होता है, इसका स्टैंड को ध्यान रखना, किस तरह का स्टैंड बना हुआ है, ये ध्यान रखना है, स्टैंड से कितना टच में है, ये ध्यान रखना होता है ना। और यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन टच में नहीं है, बस आपको ये इतना ध्यान रखना है ना। उसके बाद आप देखिए तो ये अर्थ, इसमें भी आपको बस ये ध्यान रखना है कि हल्का इस तरह से टिल्ट है ना, ध्यान से देखिए तो हल्का इस तरह से टिल्ट है ना, तो ये ध्यान रखना है, इस डायरेक्शन में टिल्ट है ये। और देखिए तो इसका जो भी आपको दिख रहा हो विजिबल हो, उतना बस आप ध्यान में रखिए, है ना, बाकी ऑप्शन से आप समझ जाएंगे, क्लियर। चलिए और आगे देखते हैं, है ना, यहाँ तक हो गया। अभी ये देखते हैं,
ये देखिए तितली टाइप है ना, कुछ तितली उड़ रहा है, किस डायरेक्शन में उड़ रहा है, इधर उड़ रहा है। इसके ऊपर दो इस तरह से है ना, दो इस तरह से लाइनिंग के ऊपर बाहर आया हुआ है, यहाँ पे डॉट 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 है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। और पंख में लाइनिंग है इस तरह से, ये ध्यान रखना है, क्लियर। और देखिए तो ये बत्तख का, ये बत्तख क्या है, ये बत्तख आपको इस डायरेक्शन में बैठा हुआ है ना, इसका पैर ध्यान दीजिए, पैर का भी चेंजेस करके दे देता हूँ ऑप्शन में, डायरेक्शन क्या है, ये है डायरेक्शन है ना। इसका आंखें देख लीजिए वगैरह, इसका बॉडी का थोड़ा डायरेक्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए, यही सब में थोड़ा चेंजेस करके दे दिया जाता है। चलिए और चलते हैं, अभी ये देखते हैं सन, देखिए है ना, तो इसमें बुक का डायरेक्शन क्या है, इस तरह से है ना, थोड़ा इस तरह से डायरेक्शन है, और इसके बुक के बीचों बीच सन बना हुआ और लाइनिंग है सन के ऊपर ऊपर, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और इसके सामने वाला देखिए, बुक ये क्या बिल्कुल स्ट्रेट है ना, वर्टिकली है बिल्कुल, तो इस तरह से आपको याद रखना है, तीन पेजेस इधर है, तीन पेजेस इधर है, और बीच में डबल लाइनिंग वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो डबल लाइनिंग वाला है, क्लियर। चलिए अभी देखिए बोट, बोट क्या है, ये भी पूरा हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ना, कोई डायरेक्शन इसमें ऐसा है ना, ऐसा स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, तो ये इसको आपको ध्यान रखना है, ये वर्टिकली है ना, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, बीच में देखिए ये दो लाइनिंग आपको ध्यान रखना है, ये कॉर्नर आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, और इसका बेस है ना, ये ध्यान रखना है आपको, यही चेंजेस करके दे दिए जाते हैं। चलिए जीप, जीप का डायरेक्शन क्या है, इधर है ना, इस तरह से डायरेक्शन है जीप का, ये ध्यान रखना है। जीप का तीन आपको, तीन थ्री व्हील्स का दिख रहा है, एक व्हील हाइड है ना, वो दिख रहा है, और इसमें आपको क्या ध्यान देना है, शीशा दिख रहा है, इसके अंदर स्टीयरिंग नहीं दिख रहा, कोई बैठा नहीं है, ये भी है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ये देखिए, एक इधर इस साइड वाले नारियल क्या है, पूरा है, और इस साइड वाले नारियल हाफ है, और हाफ नारियल जो क्या है, वर्टिकली रखा हुआ, सीधा कोई डायरेक्शन नहीं, इसको वर्टिकली अपवर्ड रखा हुआ है, और इसकी डायरेक्शन इधर है, इस साइड है, बड़े वाले की डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है ना। और फिर देखिए ये कप, ये प्लेट है, और ये कप है, कप का हैंडल किस साइड है, इस साइड है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इधर देखिए, ये जो पक्षी है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, और इसके जस्ट सामने जो बैठा है इसका डायरेक्शन इस साइड है ना, इसका पूँछ याद रखिए, ध्यान रखिए, डाल याद ध्यान रखिए है ना, इसका ये ध्यान रखिए, बाकी इतना में बन जाएगा। उसके बाद ये टाइगर का डायरेक्शन क्या है, इधर है, टाइगर का ये पूँछ ध्यान रखिए है ना, इसका चार पैर ये ध्यान रखिए, बस इतना में बन जाएगा आपका। उसके बाद ये देखिए इसके सामने जो ये है, इसमें क्या है, एक डाल पे दो ये बैठे हुए हैं, और एक का एक क्या सर नीचे करके बैठे हुए, एक सर ऊपर करके, जो लेफ्ट साइड वाला उसका सर नीचे है, राइट साइड वाला का सर ऊपर है ना, बाकी इसको ये नीचे वाला ध्यान रखिए। चलिए और आगे देखते हैं, ये देखिए इसमें देखिए आप ध्यान से, तो इसका एक डंडा इस साइड लेफ्ट के साइड बाहर आ रहा है ना, और ये यहाँ से एक लाइनिंग दिया हुआ है, ये ध्यान रखना आपको, इसका बेस ध्यान रखना है ना, इसके सामने बल्ब, बल्ब सीधा अपर डायरेक्शन में है ना, इसका फ्यूज ध्यान रखना है आपको, और ये देखिए ये वाला पोर्शन ब्लैक नहीं है, ये ध्यान रखना है, कभी ब्लैक में ऑप्शन में दे सकता है। चलिए और आगे देखते हैं, है ना, ये देखिए ये फार्मर है ना, हल का डायरेक्शन इधर है, फार्मर इस साइड जा रहा है ना, ये आपको ध्यान रखना है, और कॉर्क का डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है ना, पूरा कॉर्क दिख रहा है, ये ध्यान रखना है। बाइक का डायरेक्शन इधर है, ट्रैक्टर का डायरेक्शन इधर है ना, और ये चक्का देखिए इसका व्हील क्या है, इसमें कलर किया हुआ नहीं है, ऑप्शन में आपको कलर किया हुआ दिख सकता है। हेडलाइट देख लीजिए इसका है ना, थोड़ा ये ध्यान रखना है। और फिर वह घड़ी, घड़ी का देखिए डायरेक्शन कुछ इस तरह से है ना, दो स्टैंड दिया हुआ है घड़ी का है ना, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 7:15, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये क्रॉस पर एक इस तरह से बुक रखा हुआ है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और भी चलिए कार, ये कार क्या सीधा आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है कार है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और कार का आगे का पोर्शन देख लीजिए कैसा दिख रहा है, कोई ब्लैक व्लैक नहीं दिख रहा है ना, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इसके डायरेक्शन, जिप्सी का डायरेक्शन क्या है, इस तरह से है हल्का है ना, जिप्सी का डायरेक्शन इस तरह से है हल्का, ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद आपको क्लियर होता चल रहा है। और देखिए चलिए इतना पे आपको ये दो चक्का, तीन चक्का इसका दिख रहा है ना, ये ऊपर ऊपर हल्का ब्लैक दिख रहा है, ये ध्यान रखना है, बाकी तो हो ही जाएगा। फिर इस फ्लैग का देखिए डायरेक्शन क्या है, इस तरह से है, अपने तिरंगे का डायरेक्शन क्या है, इस तरह से है ना, ये ध्यान रखना, तिरंगे के नीचे इंडिया लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना। इसके डंडे का देखिए बीच में कुछ गैप है, ये ध्यान रखना आपको, इसमें भी कुछ गैप है, ध्यान रखना, हंसुआ बल्ली है, ध्यान रखना आपको है ना। और इसमें जो इसमें कुछ देखिए धागे लटक रहे हैं ना, रस्सी, वो ध्यान रखना है। चलिए इसे देखिए, अर्थ क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, बिल्कुल पोजीशन पे है अपने,
कोई इधर उधर टिल्ट नहीं है, यह ध्यान रखना है। इसका बीच का लाइनिंग ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 लाइनिंग है ना, ध्यान रखना है आपको। और इसमें देखिए ये अर्थ वही बना हुआ है, इसमें कुछ कंट्री का फिगर बना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। फिगर ब्लैक में नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। चलिए, और ये दो फिगर है, इन दो फिगर में इसका डायरेक्शन देखिए, फैन का डायरेक्शन इस साइड है, इसका एक जो वायर है इधर जा रहा है ना, बीच में एक स्विच है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी इसमें फ़ोन में देखिए, यहाँ पे थोड़ा ब्लैंक एरिया है ना। ये डायलर देख लीजिए, इसका डायरेक्शन देख लीजिए, इस तरह से है ना, इस तरह से इसका डायरेक्शन है। बाकी जहाज़ ये वाला देखिए, तो इसमें क्या है, इस तरह से हल्का टिल्ट हो रहा है और चल रहा है इस डायरेक्शन में, इधर धुआं निकल रहा है इसका, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसका बेस देख लीजिए कैसा है, सिमिलरली इसका भी डायरेक्शन ये है, ऊपर ये देख लीजिए क्या पोजीशन में है और जा किधर रहा है, इस तरह से ये जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसका एक्सरसाइज लगाते हैं, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर 3 मिनट से पहले आप ये देख लेंगे, और अगर 3 मिनट से अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम बच रहा हो तो एक बार आप ओवरव्यू कर सकते हैं, है ना, एक बार ज़्यादा फास्ट ओवरव्यू आप कर सकते हैं इसके साथ, इस तरह से, है ना, कैसा दिख रहा है, फास्ट ओवरव्यू आप करके, है ना, एक बार और उसको रिमाइंड कर सकते हैं। चलिए अब इसका एक्सरसाइज करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने किया था, अब आपको फटाफट बताना है, उम्मीद है पूरा याद हो गया होगा आपको। अभी ये जस्ट कराया ही है, इसके साथ बताइए कौन सा होगा। देखिए है ना, आपको बताए थे ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपको डाउट इसमें और इसमें होगा। तो आपको बताए थे ना, बेस को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, तो बेस में देखिए ये वाटर का बेस दिख रहा है ना, इसका बेस ऐसा कुछ नहीं था, तो ऑप्शन ये डी हो जाएगा, है ना। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आते हैं, सेकेंड नंबर पर देखिए है ना, ये दिया हुआ है, प्लस आपको फ्लैग का बताया थे ना, और नीचे इंडिया सब में लिखा हुआ है, ये उल्टा है, यानी ये उल्टा है, तो ऐसे ही चला जाएगा। और बाकी बताइए इन दोनों में, बताइए क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। डंडे का देखिए, ये ज़्यादा मोटा है और ये हमारा इस तरह से दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये बत्तख का था, तो बत्तख का डायरेक्शन तो दिया हुआ है इस साइड, और आपको तितली का डायरेक्शन बताना है जो अभी आप बताए थे, है ना। तो तितली का डायरेक्शन क्या था फ्रेंड्स, ये देखिए, ये डायरेक्शन नहीं था, ये भी नहीं था, और इसमें ये दे रखा है, ये तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर आपको बताना है क्या होगा फोर्थ का फ्रेंड्स, है ना। देखिए ये बिल्कुल सीधा आ रहा है, ठीक है, और इसमें बताया था कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन में तो जा रहा है, बट इसका बेस में देखिए कुछ दिया हुआ था, ये तो नहीं होगा, इसका डायरेक्शन ही गलत है, इसका भी डायरेक्शन गलत है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अभी 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर है ना, 5 नंबर देखिए, मैप दिया हुआ है और ये जो था उसके बीच में कुछ था ही नहीं, तो इसका 5 का A हो जाएगा। क्लियर है ना। 6 में देखिए फ्रेंड्स, ये आपको दे रखा है, उसमें आपको बल्ब का बताना है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, है ना। अभी आपको इस दोनों में A और D में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कौन सा होगा, देखिए इसमें इधर ब्लैक किया हुआ है, तो ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 6 का, है ना। अभी 7 में देखते हैं, 7 का फ्रेंड्स देखिए, 7 में भी आपको क्लियर दिख रहा है, ये तो चलो दिया ही है, ये देखिए हैंडल इसका नहीं होगा, इसमें दीपक जल रहा नहीं, इसका हैंडल टूटा हुआ नहीं, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 में आपको देखना है, बताना है 8 में क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये तो दे रखा है किसान का हल लेकर, और कोर्क का देखिए, सभी में कोर्क थोड़ा थोड़ा कटा हुआ, तो होगा ही नहीं, 8 का से डी हो जाएगा, है ना। अभी 9 नंबर पर चलते हैं, 9 नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड दिया हुआ है, अब हमारे जीप का बताना है। 9 नंबर में देखिए फ्रेंड्स, इसका व्हील कट रहा है, इसका भी कट रहा है, बस ये पूरा आ रहा है, तो ये हो जाएगा, है ना। अगर एक बार आप ध्यान से फिगर देखे होंगे तो आराम से बना लेंगे। अभी इसमें आपको बताना है, देखिए तो ये कट रहा है ना, बस ये आ रहा है, तो बिल्कुल है ना, बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको। अभी 11 नंबर में आपको बताना है, 11 नंबर का क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए है ना, ये जो लिखा हुआ था इसमें कोई बॉर्डर नहीं लाइन था, है ना, तो इसमें ये होगा ही नहीं, इसमें कुछ लिखा नहीं, ये कट जाएगा, है ना। अभी बचा और बी और डी में, तो डी में देखिए नीचे का पोर्शन कटा हुआ, तो ये होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नारियल वाला आ गया, नारियल का प्लेट था, देखिए कट रहा है ना, बस यही एक बच रहा, तो सी, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, एक बार आप ध्यान से देखेंगे कर देंगे। 13 में फ्रेंड्स देखिए क्या है, और 13 का ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका क्या होगा, ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये अच्छा से एक्सप्लेन भी किए थे। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर में क्या फ्रेंड्स, ये दे रखा है आपको, अभी इसमें बताना है आपको, है ना। तो देखिए 14 नंबर में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन ही गलत है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे स्विच नहीं है, बताए थे ना, स्विच दिया हुआ, देखिए इसमें स्विच है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 में देखिए चिड़िया,
श्रीनगर डायरेक्शन ये है ना, और आपको बताना है। तो उसका क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या बताए थे, अपोजिट था जस्ट, तो ये नहीं हो जाए अपोजिट। ये तो देखिए सेम ही डायरेक्शन है तो होगा ही नहीं, ये उल्टा है नहीं होगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, बट इसके नीचे देखिए क्या है, तो इसके कारण ये नहीं होगा, होगा क्या, डी हो जाएगा। अभी 16 नंबर पे चलते हैं, 16 नंबर पे हाँ देखिए, ये जो डिफ़िकल्ट था वो दे ही दिया है, अब आपको टाइगर का बताना है। 16 नंबर में देखिए, ये टाइगर उल्टा है, टाइगर का ये डायरेक्शन गलत है ना, इन दोनों जिस डायरेक्शन में था, तो इसके देखिए पूंछ के नीचे क्या है, तो ये होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर में आपको बताना है, देखिए पंख दे रखा है, अभी मुर्गे के बारे में आपको बताना है ना, तो 17 का तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका डायरेक्शन पहले देखते हैं हम। डायरेक्शन में आपको ये इस डायरेक्शन में था ही नहीं, तो ये नहीं होगा है ना, ये उल्टा, ये होगा ही नहीं, डायरेक्शन क्या था, ये डायरेक्शन था, लेकिन इसके आगे देखिए कुछ बना हुआ, तो ये होगा नहीं, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी 18 में चलिए देखिए, 18 में भी जो डिफ़िकल्ट था वो तो दे ही दिया है, इसके सामने ये बुक वाला बताना है आपको है ना, तो बताया था देखिए खुला था एक नीचे, इसमें भी खुला है, इसमें भी खुला है, इसमें खुला है, ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, इसमें देखिए कुछ कट रहा था, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी कुछ कट रहा था, ये भी कैंसिल हो जाएगा है ना, बचा क्या, ए है ना, ए 18 का ए हो गया। चलिए अभी 19, 19 का फ्रेंड्स बताना है आपको, बाइक है ना, बाइक इस तरह से है, ठीक है, बाइक का दिया ही है, तो इसका तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, अब ट्रैक्टर के बारे में देखना है हमें 19 में है ना। तो ट्रैक्टर क्या था, बाइक इस डायरेक्शन में था और ट्रैक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से था है ना फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ट्रैक्टर का डायरेक्शन था, तो बताइए इस तरह से एक, तो ये तो होगा ही नहीं, अब ये 3 बचा है, 3 में से देखिए इसका बताया था मैं, व्हील आपको ध्यान से देखना है, ब्लैक क्या हुआ, तो ये नहीं होगा, अब इसमें देखिए कि हाँ ब्लैक क्या होता है, ये नहीं होगा, बचा क्या, ये है ना। चलिए अभी ये देखिए वास्तव दे रखा है, अब इसके सामने कौन सा था ये बताना है, ये उल्टा, ये तो होगा नहीं, ये कट रहा है, ये होगा नहीं है ना, अभी बताना है आपको बीच में कौन सा होगा फ्रेंड्स, तो ये भी देखिए इसका स्टैंड नीचे से कट रहा था, ये भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा है ना फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, और चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू, तब तक के लिए।